वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन गिवन टू आस हेयर ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल फंक्शन इज गिवन टू यू ऑल फंक्शन लिस्टेड हेयर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट एस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मुले के साथ एन पी आर के फंक्शन को टेकअप करूंगा दिस इज पार्ट नंबर नाइन आईगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स इन द बैंक एन अमाउंट ऑफ रुपीस वन थाउजेंड द डिपोजिट कैरिज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम रुपीज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक हजार रुपया बैंक के अंदर डिपॉजिट किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट है कितना समय लगेगा कि ये अमाउंट फिफ्टीन हंड्रेड बन जाएगा सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए फैक्ट्स को नीचे यहां पर शो कर रहा हूं डिपॉजिट अमाउंट इज रुपीज वन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट फ्यूचर वैल्यू विच वी वॉन्ट इज फिफ्टीन हंड्रेड मैं एक्सेल के एन के फंक्शन को यूज करके इस पर्टिकुलर पीरियड को कैलकुलेट करना चाहता हूं सो आई राइट हेयर एनपीआर द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज रेट दिस इज गिवन टू सेल नंबर सी सिक्स कॉमा पीएम टी हमें यहां पर कोई एनुअल या मंथली पेमेंट नहीं दी गई सो so मैं इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को स्किप कर दूंगा मैंने एक कॉमा लगा दिया द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज पी वी प्रेजेंट वैल्यू दैट इज रूपीस 1000. क्योंकि स्टूडेंट ये एक आउटफ्लो है तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे रहा हूं माइनस सी फाइव कॉमा इज फिफ्टीन हंड्रेड कॉमा नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टाइप दिस टाइप इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट क्या हम ये पेमेंट ईयर के एंड में करेंगे या ईयर के बिगनिंग में करेंगे मैं आप करके चल रहा हूँ कि हम पेमेंट ईयर के एंड में करेंगे तो मैंने जीरो के ऊपर क्लिक कर दिया रुपया अंदर डिपॉजिट करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट हो तो फोर पॉइंटीन हंड्रेड का बन जाएगा मीन्स चार साल से ज्यादा समय के अंदर ये अमाउंट फिफ्टीन हंड्रेड के इक्वलेंट हो जाएगा हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पर यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर दे रहा हूं अब मैं सेम प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके टेक अप करूंगा मैथ्स के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यूज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू पेरेंथिस स्टार्ट वन प्लस आर पेरेंथिस क्लोज रेस टू पावर एन मैं इसके अंदर इन वैल्यूज को इनपुट कर रहा हूं फ्यूचर के अंदर जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड टू प्रेजेंट value is 1000. Parenthesis start 1 स्टार्ट r. प्लस आर आर rate of रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस to power टू पावर एन मैंने इस एन को सिलेक्ट किया आई गो टू फोन्ड ग्रुप इसके अंदर मैं इफेक्ट्स के अंदर सुपरस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया आई से ओके मेरे पास ये क्वेश्चन इस तरह से आ गए अब मैं ये वन थाउजेंड को लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाऊंगा तो ये अमाउंट हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा नाउ दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस रेट की जगह के ऊपर मैं टेन परसेंट को दे रहा हूं तेन मैंने पॉइंट टेन दे दिया पेरेंथिस क्लोज एन मैंने एन को सिलेक्ट किया आई गो टू फोन ग्रुप फोन ग्रुप के अंदर इफेक्ट्स में मैंने सुपरस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया आई से ओके मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ गए अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को सॉल्व कर लेता हूं दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइडेड कम्स वन 1.5। मेरे पास ये एज इट इज नीचे आ जाएगा तो मैंने इसको एज इट इज नीचे लिख दिया अब स्टूडेंट मैंने नंबर ऑफ पीरियड को कैलकुलेट करना है इसके लिए मैं प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर टेबल को यूज करूंगा

1.5 वैल्यू को देखता हूं जो वैल्यू सबसे नजदीक आ रही है दैट इज 1.6105 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ईयर है 5 लेकिन ये वैल्यू 1.5 से काफी बड़ी है इट मीन्स फिफ्थ ईयर कंप्लीट नहीं होगा फिफ्थ ईयर के कंप्लीट होने से पहले ही ये अमाउंट 1500 बन जाएगा और इसी बात को हमने यहां पे लिख दिया सिंस द वैल्यू इज 1.6105, होल 50 ईयर सो our आंसर विल बी इन दिस केस 4 प्लस ईयर के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा यहां पर हम approximation में आंसर दे सकते हैं 4 years प्लस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने इसको दो तरह से सॉल्व किया है एक्सेल के फंक्शन के साथ और मैथमेटिकल फार्मूला के साथ मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहां पर आंसर इन अप्रोक्सीमेशन आ रहा है बट एक्सेल के फंक्शन ने हमें एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करके दे दिया मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा थैंक यू वेरी मच